मतलब कोई नॉवल, इट्स नॉट अ नॉवल, तो है नहीं कि आप यूं ही पढ़ते आएंगे. मीन्स स्टडी दीज बुक्स, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक फॉर योर कॉम्पिटिशन, फॉर योर वॉट एवर कॉम्पिटिशन यू आर गोइंग टू अपियर फॉर. पार्टिकुलरली ये पार्ट टू, ये पार्ट टू वाले बुक बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और मैं आपसे बताऊं कि जेई मेंस का एग्जाम तो ना इस बुक को पढ़ के, मतलब ऑप्टिक्स रे और वेव और प्लस मॉडर्न फिजिक्स के चार चैप्टर्स आराम से आप कर सकते हैं, वेरी इजिली यू विल बी एबल टू सॉल्व. और जे एडवांस के लिए जाहिर सी बात है प्रैक्टिस चाहिए, उसके फिर एडवांस क्वेश्चन टेस्ट वगैरह चाहिए. तो इस बुक को आई होप आपने पढ़ा होगा. जो तीन यूनिट हमने खत्म कर लिया, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट्स, एटम्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, ईमानदारी से बताएं कितने लोगों ने इतना गैप मिला एनसीईआरटी एटलीस्ट एक बार पूरा अटेम करने की कोशिश की. और इसमें जो पॉइंट्स टू पॉन्डर और ये सारी चीजें, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये अल्टीमेट किताब है मॉडर्न फिजिक्स के लिए, इस लेवल पे जिस लेवल पे आप हैं. किसी ने पढ़ा क्या? झूठी बोल दो भाई, तसल्ली के लिए. ठीक है, ओके. आई होप मैं पॉजिटिव होप रखता हूँ. लेट मी होप पॉजिटिव फ्रॉम योर साइड एंड यू ऑल आर गुड स्टूडेंट्स. तो आई होप आप इसको पढ़िएगा ना. चलिए, आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन विद यू और स्टार्ट करते हैं पेन कॉपी पेन के साथ. देखिए, आज मैंने टारगेट बहुत लंबा बनाया है कि क्या क्या मैं आज कवर कराऊंगा. ओके, तो पीएन जंक्शन वगैरह, डायोड पोटेंशियल, ये सब चीजें कवर करानी है. और आज का लेक्चर जो है, मैंने बहुत सारे स्क्रीन शॉट्स, अभी मुझे आज का लेक्चर तैयार करने में करीब आधे घंटे लग गए, 20 मिनट से ज्यादा लग गए, क्योंकि उसमें बहुत सारा डायग्राम बनाना था. तो टू सेव द टाइम मैं हाथ से बनाना था, मैंने बुक से, डिफरेंट बुक्स और कोचिंग इंस्टीट्यूट के पैकेज से उसको फिक्स कर दिया स्लाइड्स पे, ताकि आपको पढ़ाने में आसानी. तो ओके, ठीक है. तो स्टूडेंट्स, क्लास को स्टार्ट करें क्या? ओके, ठीक है. एक एनर्जेटिक वे में बिल्कुल बैठिए. ठीक है, तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स का चैप्टर 4 सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स. अच्छा, तब तक कोई बता सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स? क्या समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से, क्या समझते हैं सेमीकंडक्टर से? सर, सेमीकंडक्टर जो है इलेक्ट्रिसिटी. हाँ, ओके सर, जो दोनों कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी. अच्छा, तो नहीं भी करता और करता भी है. अच्छा, ठीक है. तो चलिए, मैं पिछले क्लास के जो फर्स्ट स्लाइड है, मैं उसी से, ये लास्ट क्लास की स्लाइड है, मैं जल्दी जल्दी रिकैप कराता हूँ. देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स का है ना, सेमीकंडक्टर होता है ना वो. हाँ, आपने दिखाई दिया. हाँ, मैं आप बता दीजिए, देख के बता सकते हैं, इट्स नॉट एन इशू, देख के बता दीजिए. बताइए सर, जो जिसकी जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के मीडियम कंडक्ट करता है जो इलेक्ट्रिक. ठीक है. और जो एक स्टूडेंट ने बिल्कुल सही आंसर दिया है कि सर, इलेक्ट्रॉनिक्स इसकी एप्लीकेशन है सेमीकंडक्टर. यही जवाब है बिल्कुल, कि इलेक्ट्रॉनिक्स एक ब्रांच है साइंस की, फिजिक्स की, जिसमें हम कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के जरिए कुछ फिनोमेना ऑब्जर्व करते हैं ना, एप्लीकेशन लेते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं. कंप्यूटर आपके इलेक्ट्रॉनिक्स है, इस कंप्यूटर में हो क्या रहा है? बेसिकली हम इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल्ड वे में फ्लो करा रहे हैं, चार्जेस को कंट्रोल वे में फ्लो करा रहे हैं. तो अब हमें इस प्रोसेस को करने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल वे में फ्लो करने के लिए कुछ चाहिए ना भाई, हवा में तो करा नहीं देंगे. तो सेमीकंडक्टर इंसुलेटर को तो हम यूज कर नहीं सकते, बिकॉज उसमें तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता ही नहीं. कंडक्टर में हम इलेक्ट्रॉन इतने ज्यादा होते कि हम उनको कंट्रोल कर ही नहीं सकते. पोटेंशियल दिया, फौरन दौड़ना शुरू कर दिया. तो बीच का एक मटेरियल मिलता है सेमीकंडक्टर. तो एक लाइन ये जो लिखी स्टूडेंट ने, सर इलेक्ट्रॉनिक्स की एप्लीकेशन है सेमीकंडक्टर. बात समझ में आ रही क्या? इलेक्ट्रॉनिक्स इज साइंस, और उस साइंस के इस्तेमाल होता है किस कौन? सेमीकंडक्टर. जिसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है कि सर, हम इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल कर सकते हैं. सर, इसका रेजिस्टेंस कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से घटता है. ये सारे प्रॉपर्टीज आई होप आपके नोट्स में होंगे, लास्ट क्लास में हमने बताया था. नहीं नोट किया था तो नोट कर लीजिए. ठीक है, हम सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी को बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं. इसकी कंडक्टिविटी सर ना ही कंडक्टर के बराबर होती है, ना ही इंसुलेटर के बराबर होती है. सबसे बेसिक प्रॉपर्टी जो सेमी कंडक्टर की, जो इसको अट्रैक्टिव बनाती है, वो ये प्रॉपर्टी है कि इट इज वेरी इजी टू कंट्रोल द रेजिस्टिविटी, इट इज वेरी इजी टू कंट्रोल द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ सेमीकंडक्टर.
ओके ये स्टूडेंट्स समझे क्या इस बात को? यस सर। ठीक है। अच्छा तो सेमीकंडक्टर में चार पांच मटेरियल्स आते हैं, कौन कौन से? सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक। मैं आगे स्लाइड में नाम भी है, तो दीज टू आर मोस्ट कॉमन यूज टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। इसके अलावा और भी एलिमेंटल, ये तो एलिमेंटल स्टेट के, ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स भी होते हैं, इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स भी होते हैं, जो आप देखेंगे आगे। ठीक है, लास्ट क्लास में कुछ इस तरह की बात भी हुई थी क्या, एनर्जी बैंड थ्योरी के बारे में? क्या हुआ था बात, आप बताइए जल्दी, मैं तो बताऊंगा। व्हाट वी डिस्कस्ड अबाउट द एनर्जी बैंड थ्योरी, आज न्यूमेरिकल्स पे पहुंचना है, जल्दी बताएं एनर्जी बैंड थ्योरी में क्या डिस्कवर किया था, क्या डिफरेंस था बोर मॉडल में और सॉलिड स्टेट क्रिस्टल में? क्या था एटम्स थे तो उनसे जो ऑर्बिटल्स उनके ओवरलैप से एक बैंड बना था। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, यानी कुछ इस तरह की बात हुई थी क्या कि बोर मॉडल में अगर हम एक सिंगल एटम की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी फिक्स्ड स्टेट्स फिक्स्ड थी कि भाई फर्स्ट ऑर्बिट में 13.6 होगा या फिर किसी ऑर्बिट में, मतलब किसी भी पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे अगर सिंगल एटम आइसोलेटेड एटम में तो उसका एनर्जी लेवल फिक्स था। लेकिन जब हम उसको सॉलिड बनाते हैं, भाई बोर मॉडल तो गैसेस स्टेट के लिए था ना, उसमें जिसमें बोर ने क्या जूम किया था, हर एटम इंडिविजुअल है क्या? सॉलिड स्टेट में जब आप उसको क्रिस्टलाइज करते हो सॉलिड स्टेट में, तो क्या हर एटम इंडिविजुअल है क्या, एक या एक एटम अलग अलग एटम से इंटरेक्ट कर रहा है? बोलिए, इंटरेक्ट कर रहा है। तो जाहिर सी बात है वहां पे ये पता चला कि जो एनर्जी लेवल्स है किसी भी पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की, कौन वाले इलेक्ट्रॉन्स, अंदर वाले, इनर मोस्ट या आउटर मोस्ट, इंटरेक्शन किसका होता है? ऑफ कोर्स ये बात है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स का होता है, इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अंदर बैठे हुए ऑफ कोर्स, तो वो इंटरेक्ट करते हैं और इंटरेक्ट करने के बाद जो उनका एनर्जी लेवल रहता है वो अब एक फिक्स्ड नहीं रहता बल्कि रेंज ऑफ एनर्जी लेवल बन जाता है, और उसी रेंज ऑफ एनर्जी लेवल का नाम क्या रख दिया गया था? एनर्जी बैंड। वेरी गुड, एनर्जी बैंड। ठीक है, समझ में आया क्या बात, उसको क्या नाम दिया था? एनर्जी बैंड। कि नाउ अब आप अच्छा ये बताइए, तो एक आइसोलेटेड एटम के अंदर हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी या एनर्जी लेवल का फिक्स्ड वैल्यू दे सकते हैं, मैं सही बोल रहा हूँ क्या? बोलिए यस नो, क्या हुआ, सन्नाटा क्यों आ गया? किसी भी आइसोलेटेड एटम में वी कैन असाइन अ फिक्स्ड वैल्यू टू द एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट इन अ सॉलिड स्टेट हम किसी इलेक्ट्रॉन के एनर्जी को फिक्स्ड वैल्यू नहीं दे सकते बल्कि एक रेंज ऑफ वैल्यू देते कि इससे यहां से यहां तक ये लाई करेगा। ठीक है, तो उसको हमने एनर्जी बैंड नाम दिया। अब दो तरह के एनर्जी बैंड थे, क्या क्या थे, कुछ याद आ रहा? कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। वेरी गुड, वैलेंस बैंड। देखिए, एक तो इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन थे जो अनअफेक्टेड थे, ये स्लाइड आपकी देखी हुई है, पिछले क्लास की स्लाइड है भाई, मैं पहले वहीं से रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है, तो वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स थे दे आर, एक तो इनर मोस्ट के एनर्जी लेवल सेम था, वैलेंस बैंड क्या था, वो इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट में तो है लेकिन उनके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो न्यूक्लियस को तोड़ के भाग सके या फिर न्यूक्लियस को तोड़ के इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सके, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स का क्या नाम दिया गया? वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जिनको आप इतनी एनर्जी दे दो कि वो अपने न्यूक्लियस के फोर्स को तोड़कर फ्री हो जाए, तो सच इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज व्हाट, कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन्स। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। यस यस। ठीक है, ऑफ कोर्स ये बात है कि वो इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन बैंड में, जिनके एनर्जी लेवल कंडक्शन रेंज में, वो ज्यादा होगा वैलेंस का उससे कम होगा, और इनर, तो हमारा मतलब किससे था, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। तो हमने किसी इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी दिया वो वैलेंस बैंड वाले जोन से कंडक्शन बैंड वाले जोन में चला गया, इट मींस नाउ इट इज फ्री टू मूव इनसाइड द सॉलिड, अब ये आजाद है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए, कुछ ऐसी ही बात हुई थी क्या? यस सर। यस सर। चलिए अगला स्लाइड देखते हैं। फिर हमने बात किया था कि अच्छा सर, ये जो एनर्जी गैप होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के, वो कितना होता है? तो अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग होता है। सिलिकॉन का कितना आया था भाई, याद होना चाहिए, इस बार नीट के क्वेश्चन, नीट में पूछ रहा था, जेई में पूछेगा नहीं पूछेगा लेकिन याद होना चाहिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द, इसको क्या नाम दिया गया तुमने, व्हाट एनर्जी गैप, क्या नाम देते हैं भाई, एनर्जी गैप, या इसको मैं एक और नाम देता हूं, फॉरबिडन गैप, फॉरबिडन गैप, फॉरबिडन। तो जर्मेनियम का कम होता है विच इज 0.7 वोल्ट, एंड सिलिकॉन का जो एनर्जी गैप होता है फॉरबिडन गैप होता है, दैट इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है? यस सर। चलिए ओके, सिलिकॉन और जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर और मास नंबर आपको पता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी यहाँ पे लिखा है, आई होप यू मस्ट बी नोइंग दैट। ओके ठीक, तो ये स्लाइड तो बहुत आसानी समझ में आ रही है, वैलेंस और कंडक्शन के बीच का गैप फॉरबिडन एनर्जी गैप कहलाता है।
ठीक। अच्छा उसके बाद हमने फिर मटेरियल्स को क्लासिफाई किया था कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर में बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी गैप। अच्छा मैं आपसे पूछूं कि कंडक्टर क्या होता है, अगर आपसे 8th क्लास के स्टूडेंट से पूछें या 9th क्लास के, वो यही बताएगा कि सर कंडक्टर ऐसे मटेरियल को बोलते हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और सर इंसुलेटर ऐसे मटेरियल को बोलते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते, तो इलेक्ट्रॉन्स यानी चार्जेस मूव नहीं कर सकते, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। ऐसी ही कुछ बात है क्या कंडक्टर इंसुलेटर के बीच में? Yes, तो अगर हम अगर उसको वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में समझे, तो मतलब ये है कि कंडक्टर्स के अंदर जो वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड वो दोनों ओवरलैप करते हैं, यानी ऑटोमेटिकली कुछ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन जोन में हैं। आप पहला फिगर देख सकते हैं। इंसुलेटर का मतलब जो लास्ट वाला देखेंगे क्या मतलब है कि वैलेंस जोन और कंडक्शन जोन के बीच बहुत ज्यादा एनर्जी गैप होता है, मतलब इतनी ज्यादा एनर्जी गैप होती है कि आप उसको दे नहीं पाते। जब आप दे नहीं पाते तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बंधा रहता है और वो फ्री होकर मूव नहीं कर पाता। तो आई कैन से इंसुलेटर्स के अंदर एनर्जी गैप कितना होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है, ठीक है। और बीच में कौन आया, बीच में आया कौन, सेमीकंडक्टर, जिसका इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, आई थिंक इसको कट कर ले, इसका एनर्जी गैप होता है 0 से 3 वोल्ट के बीच में, अप्रोक्सीमेटली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अराउंड होता है। तो यू कैन एनर्जी गैप अप्रोक्सीमेटली लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 0 से ज्यादा होगा 3 से कम होगा। जैसे सिलिकॉन का 1.1, जर्मेनियम का जो होता है कितना होता है, हाउ मच इज द जर्मेनियम, 0.7। कार्बन, कार्बन का जो एनर्जी गैप है वो है 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताना ये क्या बनेगा, कंडक्टर बनेगा, इंसुलेटर बनेगा, क्या बनेगा ये? इंसुलेटर। और आपको पता है बिल्कुल। अच्छा अब आपसे ग्रुप 14 का नाम पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा, ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, समझ रहे? तो सिलिकॉन, कार्बन, सिलिकन और जर्मेनियम, ये सारे के सारे ग्रुप 14 के हैं क्या? ठीक है। अब आप इसमें देखें कि दो जो ये पहला वाला है इसके लास्ट, इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 4, और इन दोनों में सिलिकॉन और जर्मेनियम में भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 4, लेकिन सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, सेमीकंडक्टर है, और कार्बन इंसुलेटर है। कोई लॉजिक समझ में आ रहा है, व्हाई इट इज सो, ऐसा क्यों है, क्यों क्यों हमें, हमारे पास एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है कार्बन के लिए और एनर्जी गैप कम है सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए? हाँ जरा पीरियोडिक टेबल ऑफ केमिस्ट्री में जाइए, केमिस्ट्री में जाइए और वहां से जवाब ढूंढने की कोशिश करिए, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स वगैरह से। हाँ साइज बड़ा होता है सिलिकॉन और जर्मेनियम का। वेरी गुड। फिर क्या हो बेटा, अगर साइज बड़ा है तो क्या होगा? ठीक है, बड़ा है तो बड़ा है सर, प्रिंसिपल शेल बढ़ेगी उससे। हाँ फिर उसके बाद फाइनल आंसर दीजिए ना। तो फिर जो न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा, बिल्कुल बिल्कुल आप ये बिल्कुल सही जवाब, यानी सर क्योंकि कार्बन में न्यूक्लियस, कार्बन में कितने ऑर्बिट्स होते हैं, 2 और 4, तो जो आउटर मोस्ट शेल है क्या वो न्यूक्लियस के बहुत करीब है? Yes, बोले हाँ। तो ऑफ कोर्स ये बात है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस इज वेरी हाई, तो इसको, इस इलेक्ट्रॉन को आजाद कराने में, वैलेंस जोन से कंडक्शन जोन ले जाने में आसान काम है, मुश्किल काम? मुश्किल काम। जर्मेनियम के पास पहुंचे, इसके पास 3 सेल, 2, 8, 4, और सिलिकॉन के पास कितना हो गया, 4 सेल, 2, 8, 18, 4। अब आप खुद ही लॉजिक लगा दो पीरियोडिक टेबल से कि सर जितना ज्यादा दूर होगा वो वैलेंस बैंड वाला इलेक्ट्रॉन, उतनी कम एनर्जी देनी पड़ेगी उसको आजाद करने के लिए वैलेंस से कंडक्शन ले जाने में। तो इसका कितना एनर्जी गैप, 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका कितना आ गया, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसका कितना आ गया, उल्टा लिख दिया क्या मैंने, सॉरी उल्टा लिख दिया, व्हाट इज द जर्मी, उल्टा लिख दिया मैंने, जैसे ही लिखा था, खैर सही है सिलिकॉन और जर्मेनियम, तो होना तो कम चाहिए किसका, जर्मेनियम, खैर बहुत सारे और फैक्टर होते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि सर सिलिकॉन का कितना आया, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसका कितना आया, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बहुत क्लियरली आपको दिख रहा है कि व्हाई इट इज सो, एज यू आर मूविंग अवे द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन इज डिक्रीजिंग, सो इट इज डिक्रीजिंग। बात समझ में आई व्हाई कार्बन इज इंसुलेटर? ठीक है, चलिए अब आज शुरू करते हैं हम इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, चलें आगे। ठीक है, ओके, आई होप इतना आपको कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड तक सब समझ में आ गया। ये देखिए एनसीईआरटी की पेज का एक्सट्रैक्ट है, आपको रटना नहीं है, बस मैं दिखा रहा हूँ कि एलिमेंटल सेमीकंडक्टर सिलिकॉन जर्मेनियम, तो उसके अलावा बहुत सारे और सेमीकंडक्टर्स होते हैं
जो कि हम अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में, मोबाइल में ग्रीन ग्रीन कलर का या छोटा छोटा देखते हैं, वो सारे सेमीकंडक्टर होते हैं। तो इस तरह के और भी सेमीकंडक्टर्स होते हैं विच यू कैन वेरी इजिली फाइंड इन योर डेली लाइफ। याद नहीं करना, बस नाम देख लीजिए, ठीक है। अब ये एनसीईआरटी के पेज का स्क्रीनशॉट है, अब इसको देख के जरा समझ जाइए ताकि मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाऊं। आई होप ये पूरा समझ में आ रहा हो आपको, देखना जरा। यस सर। पहला ये क्या है भाई, व्हाट इज दिस कंडक्टर? यस सर। क्योंकि एनर्जी गैप लगभग क्या है, जीरो। ये एनर्जी गैप क्या है, तीन से ज्यादा, तीन से ज्यादा तो क्या हो गया बेटा, इंसुलेटर। और ये एनर्जी गैप तीन से कम तो क्या होगा, सेमीकंडक्टर। सिंपल, कुछ नहीं है, एनसीईआरटी के बुक का एक्सट्रैक्ट है, आपको एक रिवीजन के लिए मैंने दिखा दिया। ओके ठीक है, चले आ जाए, मैं पीडीएफ भेज दूंगा, आप पीडीएफ से जो नोट करना होगा नोट करिएगा, अभी समझने का काम करिए बस, ठीक है। अब आते हैं जरा कि सिलिकॉन के स्ट्रक्चर को समझते हैं। ऑक्टेट रूल पता है आपको, बहुत ये ऑक्टेट रूल, स्टेबल होने के लिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, चार। सिलिकॉन का आउटर मोस्ट में कितने होते, चार इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेगा, चार कोवेलेंट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। yes, sir. ये लेफ्ट साइड में जो डायग्राम है दिख रहा है आपको क्या, ये बीच में जो है ये सिलिकॉन का एटम है, सिलिकॉन या जर्मेनियम, ठीक है। और वो कितने बॉन्ड बना रहा है, चार, यू कैन सी दिस, दिख रहा है क्या आपको, सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड दिख रहा है, ये सारी चीज हो रही है। अब ये आप ये समझिए कि ये अभी स्टेबल है। अब आपने क्या किया बेसिकली, आई होप ये डायग्राम आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे इस पर कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस, अब आपको पता है कि ये जो बॉन्ड है, अगर हम इसको कुछ भी थोड़ी बहुत भी एनर्जी दें तो ये बॉन्ड जो है, ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये यहाँ पे जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ये वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ के इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर हम इनको कुछ एनर्जी दें तो ये इलेक्ट्रॉन अपने बॉन्ड को ब्रेक होकर फ्री हो सकते हैं क्या, यस सर। और जब फ्री होंगे तो किस जोन में जाएंगे, फ्री होंगे तो किस जोन में जाएंगे, वैलेंस बैंड से किस जोन में, कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं जब वो बॉन्ड टूटेगा, ये लेफ्ट वाला फिगर देखिएगा कि किसी भी सिलिकॉन में, सिलिकॉन एटम या जर्मेनियम के अंदर चारों एटम बाउंड्री, चारों तरफ से बॉन्ड बना हुआ था, आपने उसको थोड़ा सा हीट किया, उसने एनर्जी गेन किया और वो जो है अपने वैलेंस बॉन्ड को तोड़ के वैलेंस जोन से फ्री हो गया। फ्री होने का मतलब अब वो आजाद है, कंडक्शन जोन में जा चुका है। तो जहां बॉन्ड में खाली जगह बचेगी, Yes, sir. उस खाली जगह पे क्या को हम क्या नाम देंगे, होल, क्या नाम देंगे भाई, होल। और एक बात देखिए, होल का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी, होल का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो नाउ इफ यू आर, अब जरा इस डायग्राम को समझिएगा, लेफ्ट साइड के डायग्राम पे क्या दिख रहा है, कंडक्शन बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन है, जीरो। तो ये मामला हो रहा है जीरो केल्विन पे, जबकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बंधे हुए होंगे, फ्री नहीं होंगे और वो मूव नहीं कर सकते। जैसे ही आपने थोड़ा सा टेम्परेचर दिया, कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो ऐसे होंगे जो कि आजाद हो जाएंगे, बॉन्ड को तोड़ देंगे। Yes, sir. जब वो बॉन्ड को तोड़ेंगे तो वैलेंस जोन से कंडक्शन जोन में चले जाएंगे। Yes, sir. तो कंडक्शन जोन में कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे और वैलेंस जोन में बॉन्ड के पास कुछ खालीपन महसूस होगा, ये जो सफेद सफेद दिख रहा है आपको, इसी खालीपन का, इसी इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी का नाम क्या दिया गया, होल, ठीक है। तो बेसिकली होल एक होल कुछ होता नहीं, होल एक खाली जगह होती है, इट्स नॉट, इट्स नथिंग। लेकिन हम ये अज्यूम करते हैं, देखिए अज्यूम क्या करेंगे कि होल जो है ना, होल क्या बेसिकली वर्चुअल चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। देखिये एक्चुअली ये क्या, होल के ऊपर कोई चार्ज होता है क्या, वास्तव में एक्चुअल में कोई चार्ज होता है क्या, ये कुछ नहीं है भाई, ये खाली जगह, एक कमरा जो खाली है, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन जा चुका है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो हम ये इमेजिन करते हैं, वर्चुअली इमेजिन करते हैं कि इट हैज व्हाट, प्लस ई चार्ज, इमेजिन करते हैं, ऐसा होता नहीं भाई, इट इज अ वर्चुअल, वर्चुअल वर्ड पे ध्यान दीजिए, इट इज अ वर्चुअल चार्ज, ठीक है। और हम ये भी इमेजिन करते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये समझो, चार डब्बे दे दिए मैंने, ये चार कुर्सियां, एक आदमी यहां से उठ के यहां आगे चला गया तो यहां खालीपन होगा, ठीक है। तो अब ये देखो, ये ऐसे बन जाएगा क्या, अब देखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मैं 3 4 को हटा देता हूं। अब मुझे दो तरीके से ये बोला जा सकता है कि ये आदमी उठकर 1 से 2 चला गया, एक तरीका तो ये, क्या मैं दूसरा तरीका ये बोल सकता हूँ क्या, ये खालीपन उठ के 2 से 1 चलाया,
नहीं समझ में मेरी बात? मेरी बात, देर आर टू, एक ही चीज को कहने के दो तरीके, मैं ये बोल दूं कि दिस मैन जंप फ्रॉम वन टू टू, या दूसरी बात बोल सकती हूँ जो जो टू पे वैकेंसी थी वो जंप करके वन पे आ गई, तो वन पे वैकेंसी मिल गई और टू पे खाली, टू 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 पे आदमी आ गया, ठीक है? तो हम इसको बोल सकते हैं दो तरीके से, व्हाट आई कैन से, मैन जंप्ड टू टू, या फिर बोल सकता हूं वैकेंसी टू जंप टू वन। तो अब जब भी आप बोलेंगे होल, दिमाग में ये रखना चाहिए सर, होल कोई चीज नहीं होती, एक वर्चुअल चीज है, लेकिन हम इमेजिन करते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन राइट साइड जा रहा है तो होल किस साइड मूव करेगा? लेफ्ट साइड, बिल्कुल सही। इट इज कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज, नॉट अ रियल चार्ज, बहुत ध्यान से। और ये भी करंट कैरियर होता है, हम इमेजिन करते हैं कि ये करंट कैरियर है। बेसिकली देखिए, क्या ये सच में करंट कैरियर है? क्या सच में इसकी वजह से करंट फ्लो करता है? नो, वी इमेजिन दैट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन राइट साइड जा रहा है तो होल जो उसकी वैकेंसी लेफ्ट साइड जा रहा है, तो वी इमेजिन दैट इट इज अ करंट कैरियर। होल के बारे में प्रॉपर्टी देखिएगा, वर्चुअल चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज प्लस ई रखते हैं, और ये करंट कैरियर होता है। तो किसी भी कंडक्टर में जो करंट होगा, करंट आई, वो होल की वजह से भी होगा प्लस इलेक्ट्रॉन की वजह से भी होगा। इस कंसेप्ट को याद रखिएगा, द करंट इन एनी कंडक्टर विल बी ड्यू टू बोथ, करंट ड्यू टू कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो दिख ही रहे, प्लस होल की वजह से भी होगा। ये इमेजिनरी कंसेप्ट है, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका है। यस सर, बात समझ में आई सभी को? मैंने बस इसलिए स्क्रीन शॉट ले लिया ताकि मुझे बनाने में टाइम ना लगे और अच्छे से बन जाए। देखिए कह रहा था, इस स्लाइड में देखेंगे तो बॉन्ड कंप्लीट बना हुआ जीरो केल्विन पे, आपने टेम्परेचर थोड़ा सा जीरो केल्विन से ऊपर किया, व्हाट हैपेंड, एक बॉन्ड टूट के वो फ्री हो गया इलेक्ट्रॉन, वैलेंस जोन से कंडक्शन जोन में चला गया, तो वैलेंस जोन में एक खोखलापन पैदा हुआ, एक खालीपन आया, उसी का नाम हमने क्या रख दिया, होल। अब देखिए जो दूसरा उसके बगल वाला इलेक्ट्रॉन है, साइड टू जो लिखा है, साइड टू वाला इलेक्ट्रॉन अगर साइड वन पे चला जाए तो साइड टू पे होल पैदा हो जाएगा क्या? यस सर। अब इसको कहने के दो तरीके हैं, मैं ये भी बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम साइड टू टू साइड वन, क्या ये बोल सकता हूं कि होल मूव फ्रॉम साइड वन टू साइड टू? यस, ठीक है। तो बस ये समझना है कि दिस इज एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे का क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। बस आई होप कोई भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बस आई होप थोड़ा बहुत समझ में आएगा। चले आगे। और इसी इलेक्ट्रॉन और होल के मूवमेंट को अगर आप बैंड थ्योरी के हिसाब से समझना चाहेंगे तो आप इस तरह समझ सकते हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ के फ्री हो गए तो कंडक्शन बैंड में चले गए, और वैलेंस बैंड में आपको खालीपन मिल जाएगा। ओके, ठीक है, चले आगे। देखिए तो ऐसे कंडक्ट, ऐसे चार्जेस को हम क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज व्हाट, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं भाई इसको? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, लिख लीजिएगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब यह हुआ कि इसके अंदर जो चार्ज कैरियर है, यानी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, ये दोनों सिर्फ किस चार्ज कैरियर का सोर्स क्या है, व्हाट इज अ सोर्स ऑफ चार्ज कैरियर, थर्मल एजिटेशन, टेम्परेचर की वजह से कुछ बॉन्ड टूटेगा, उस बॉन्ड टूटने से कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे, वही क्या है, दे आर द सोर्स ऑफ चार्ज कैरियर। तो आप लिख सकते हैं चार्ज कैरियर क्या होते हैं भाई, होल्स और इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, चार्ज कैरियर्स की कॉज क्या आर ड्यू टू टेम्परेचर ओनली, टेम्परेचर की वजह से जो पैदा हुआ। और इसमें देखिए अगर जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही होल्स होंगे क्या? यस सर। ये रिजल्ट याद रखिएगा कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जैसे सिलिकॉन जर्मेनियम में, उसमें चार्ज कैरियर सिर्फ टेम्परेचर की वजह से प्रोड्यूस होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक पक्का। अच्छा ये बताइए होल्स कहाँ पे होंगे, कंडक्शन जोन में एग्जिस्ट करेंगे या वैलेंस जोन में एग्जिस्ट करेंगे? वैलेंस जोन, वैलेंस जोन। अच्छा अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्शन जोन से जंप करके नीचे, मान लो उसकी एनर्जी कम हो गई और वो जंप करके आ गया वैलेंस बैंड में, मान लीजिए आपने कूल किया, ठंडा किया, तो वहां पे होल नहीं दिखेगा? यस भाई, बेसिकली होल है क्या? होल क्या है, इलेक्ट्रॉन के अब मोशन का अपोजिट, इट कैन बी एनीवेयर, इट कैन बी एनीवेयर, बट लेकिन हाँ जनरली हम जो इसको,
हाँ बोलिए सर, रिपीट करना जो आपने लास्ट बताया है। मैंने बोला कि अगर फॉर एग्जांपल कुछ इलेक्ट्रॉन जो है उसमें कंडक्शन बैंड में, आपने उसको कूल करना शुरू किया, एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होगी, न्यूक्लियस से बंधना शुरू हो जाएगा। तो पहले आजाद था, कंडक्शन जोन में था, अब जब वो बंधना शुरू हो गया न्यूक्लियस से तो वैलेंस जोन में आ जाएगा, वैलेंस जोन में आएगा कि नहीं अगर कूल करेंगे उसको। तो क्या मैं, अगर मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर इलेक्ट्रॉन कंडक्शन जोन से जंप करके वैलेंस जोन में आ गया इलेक्ट्रॉन, तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई वैलेंस जोन में इलेक्ट्रॉन आया है तो कंडक्शन जोन में क्या मिला होगा, होल मिला होगा। बिल्कुल, मतलब हाँ बताइए। मैंने जो आपने ये लिखा है ना चार्ज कैरियर, ये पूछ रहा था कि क्या है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आप, क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं यानी फ्री चार्ज, वो क्यों मिलते हैं, बिकॉज ऑफ द हीटिंग, हीट करने से कुछ इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते हैं वैलेंस जोन से कंडक्शन जोन में, टेम्परेचर और हीट कह सकते हो, ड्यू टू हीट ऑन, सिंपल थर्मल एजिटेशन। जैसे इस स्लाइड पे देखें, ये लिखा हुआ है ना, कहां गया यहाँ पे, कि टी इक्वल टू जीरो केल्विन पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कहां है, वैलेंस बैंड में, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाया तो कुछ इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएंगे वैलेंस से कंडक्शन जोन में, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, इंट्रिंसिक है, अगर ये इंट्रिंसिक है, जिसको प्योर भी बोल सकते हैं, इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक है तो जितने होल्स होंगे उतने ही क्या होंगे इलेक्ट्रॉन, और इसको एन आई भी लिखते हैं, बात समझ। तो देखो चार इलेक्ट्रॉन्स हैं कंडक्शन में, तो वैलेंस में कितने होल है, चार ही होल है, बात समझ में आई क्या? यस सर। ओके, सर इलेक्ट्रॉन का ऐसा नहीं होता क्या कि एक बार फ्री हो गया तो फ्री ही रहेगा या फिर से, बिल्कुल ऐसा नहीं होता भाई, ये कोई, इट्स इलेक्ट्रॉन फ्री होने का मतलब क्या है उसकी, अच्छा आप लोग समझ क्या है, इलेक्ट्रॉन फ्री होने का क्या मतलब है, क्या तोड़ के बाहर घूमने लगेगा कोई? yes. आदमी तो है नहीं कि फ्री होने का मतलब कि घर में बंद किए थे पापा, पढ़ाई कर लो पढ़ाई कर लो जेई के लिए, आपने बस छुट्टी ली और घर से बाहर बाजार में घूमने लगे, ऐसा नहीं है भाई। इलेक्ट्रॉन होता एटम के अंदर ही है, उसके पास इतनी एनर्जी आ जाती है कि अब वो न्यूक्लियस से बंधने वाला नहीं है, है वहीं पे, लेकिन जरा से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे भाग जाएगा। ओके, फ्री होने का मतलब इट हैज मोर एनर्जी एंड इट इज कैपेबल ऑफ मूविंग, इट इज कैपेबल ऑफ लीविंग द न्यूक्लियस। बाइंड होने का मतलब यह है कि है वहीं पे, एटम के पास ही है, लेकिन एनर्जी इतनी कम है कि आप उससे बोलोगे भी ना कि आ जाओ मेरे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आके कहेगा चलो चलते हैं तो कहेगा नहीं यार मैं बहुत सुस्त आदमी हूँ, न्यूक्लियस ने मुझे बांध रखा है, पापा ने बांध रखा है, घूमने नहीं जाऊंगा। तो बॉन्ड होने का और फ्री होने का मतलब शाबी समझ रहे क्या? इट इज रिलेटेड टू एनर्जी ओनली, एनर्जी ज्यादा होना मतलब फ्री हो गया, एनर्जी कम होने का मतलब बॉन्ड हो गया, और ये दोनों प्रोसेस पॉसिबल, ऐसा नहीं कि एक बार आप फ्री हो गए तो फ्री हो गए, पापा वापस खींच के भी ले आए घर में, होता है कि नहीं? Yes, so, sir. It's like that only. ठीक है शाबी ठाकुर, आपको समझ में आएगा? Yes, sir. Okay, ठीक है, चलिए। Now, I hope आपको intrinsic semiconductor समझ में आ गया। Extrinsic semiconductor में क्या हुआ? इसमें हम कुछ ऐड करेंगे इम्प्योरिटी, ऐड इम्प्योरिटी। दो तरह के extrinsic semiconductor होते हैं, नाम सुना है कौन कौन सा? N टाइप और P टाइप। तो टू टाइप्स ऑफ इम्प्योर सेमीकंडक्टर आर देयर, वन इज नोन एज N टाइप, another is known as p-type. मैं इससे पहले कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा बताऊं, आप इतना नाम, n का मतलब हो गया नेगेटिव, p का मतलब हो गया पॉजिटिव। तो n टाइप में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होंगे होल से, और p टाइप में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। देखिए क्या होल कोई चार्ज होता है? नहीं, होल कोई चार्ज नहीं होता, एक्चुअली अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन हम उसको ट्रीट करते हैं एज ए पॉजिटिव चार्ज। तो p टाइप में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम होगी, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ होल्स मच मच मोर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कैसे होता है आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स आर देयर, वन इज एन टाइप इन विच द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी मोर। तो एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होंगे, चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, याद रखिए। तो दो तरह के, देखिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल बराबर है, तो यहाँ पे कुछ मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का कंसेप्ट एग्जिस्ट करेगा क्या? लेकिन जब आप extrinsic में, यानी इम्प्योर सेमीकंडक्टर में, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स, अब देखिए यहाँ पे देखो, इस वैलेंस बैंड के, इस बैंड थ्योरी के हिसाब से आप देखिए, जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने ही होल्स हैं क्या, ठीक है, फोर होल्स। तो यहाँ पे मेजोरिटी माइनॉरिटी का कोई कंसेप्ट, कुछ बात ही नहीं बनती। लेकिन जब आप extrinsic की बात करते हैं, तो आप कुछ ऐसा करते हैं जो मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद शो करूंगा, कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बराबर नहीं होते, तो वन बिकम्स अ मेजॉरिटी एंड अदर बिकम्स अ माइनॉरिटी। तो एन टाइप में
मेजॉरिटी कैरियर कौन होगा? इलेक्ट्रॉन्स। मेजॉरिटी कौन हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्जेस। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन हो गया? होल। होल, होल। और पी टाइप में कौन होगा मेजॉरिटी? पॉजिटिव। देखिए फिर से बोल दूं, होल कुछ होता नहीं है, इलेक्ट्रॉन का अब्सेंस होता है। अभी आपको समझ में आएगा ऐसा कैसे हो गया, मेजॉरिटी हो गया होल और पी टाइप में माइनॉरिटी हो गए इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। चलिए देखते कैसे बनता है। तो सबसे पहले क्या देखें, एन टाइप सेमीकंडक्टर देख लेते हैं। ओके, मूव ऑन करें। एन टाइप सेमीकंडक्टर, फॉर एग्जांपल देखिए, बेसिकली लेट अस डिस्कस व्हाट इज एन टाइप। सिलिकॉन ने चार बॉन्ड बना रखे, सिलिकॉन ने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, बात समझे क्या? एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, चार इसका, चार पड़ोसी का। अब आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाए, तो ग्रुप 14 है, उसके बगल में ग्रुप 15 है और उसके बगल में ग्रुप 13 है। अब आप चाहते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएं, तो लॉजिकली बताओ कौन सा एलिमेंट डालना पसंद करेंगे आप, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स 5 हो या जिसके इलेक्ट्रॉन 3 हो? इसमें 5 हो। 5 हो, वेरी गुड। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर आप ऐड बनाने के लिए क्या ऐड करेंगे, ट्राईवैलेंट एटम्स और पेंटावैलेंट एटम्स? पेंटावैलेंट यानी ग्रुप 15 एलिमेंट्स। यस सर। दो चार नाम बताना ग्रुप 15 के। आर्सेनिक, नाइट्रो, फास्फोरस, ठीक है, आर्सेनिक और पेंटावैलेंट। यानी पेंटावैलेंट का मतलब जिसके लास्ट शेयर में 5 इलेक्ट्रॉन्स हो। तो एग्जांपल क्या थे, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, एसबी, दीज आर पेंटावैलेंट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अब आपने ये देखा कि चारों तरफ सिलिकॉन है, इधर भी सिलिकॉन है, इधर भी सिलिकॉन है, इधर भी सिलिकॉन है। जैसे ही आपने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डाला बीच में, ये देखो, ठीक, व्हाट हैपेंस, आपने ये सिलिकॉन था, आपने पेंटावैलेंट ले लिया, फास्फोरस ले लिया, तो दो इधर से बना, दो इधर से बना, दो इधर से बना, दो इधर से बना। फास्फोरस के लास्ट में कितना है, 5 है ना बेटा, 5 है। तो एक इधर से फास्फोरस, एक इधर गया, इसने भी इधर एक बना दिया, इसने भी एक इधर बना दिया, इसने भी एक इधर बना, तो फास्फोरस यूज तो चार ही कर पाएगा। क्या फास्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचा हुआ है? Yes, sir. तो जब ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड नहीं है, तो इस इलेक्ट्रॉन की, क्या ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो सकता है आसानी से? Yes, sir. बताओ, ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, देखो इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड अभी, तो इलेक्ट्रॉन फ्री कब है, जब वो बॉन्डेड नहीं है। तो क्या मैं इस इलेक्ट्रॉन को आसानी से फ्री कर सकता हूँ? No, sir. अरे नो, यस भाई, इजिली फ्री, ये बॉन्ड नहीं है कहीं से, फ्री है, बिकॉज ये किसी बॉन्ड का हिस्सा नहीं है। इजिली फ्री हो जाएगा क्या? Yes, sir. ठीक, तो यहां पे अगर मैं करूं, यहां पे सिलिकॉन में अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को वैलेंस से यानी बॉन्ड से फ्री करना, फ्री करने का मतलब कंडक्शन जोन में, तो कितनी एनर्जी देनी पड़ती थी बेटा सिलिकॉन में? एनर्जी गैप कितना होता था, जल्दी बताना, 1.1। अब तुम ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे इस फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन को फ्री करना चाहूं, तो यहाँ पे जो एनर्जी गैप देना पड़ेगा वो इससे कम होगा, ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। अरे ज्यादा होगा, मतलब ज्यादा कहने मतलब आप कह रहे हैं कि और मुश्किल हो गया, आसान हो गया ना, भाई जॉबलेस घूम रहा है, एक आदमी जॉबलेस घूम रहा है तो उसको 10,000 की नौकरी दोगे भी तो भी तो आपके घर आ जाएगा। लेकिन अगर कोई आदमी किसी कंपनी में ऑलरेडी 80,000 की जॉब कर रहा है, उसको फ्री करना आसान काम है कि मुश्किल? अब उसको आप 90 देंगे तभी तो छोड़ेगा अपनी पुरानी जॉब। पर एक आदमी बेचारा जॉबलेस डिग्री लेके बैठा, वो कहेगा भाई 5,000 दे दो, तो दिस इज फ्री। इसका एनर्जी गैप होता है 0.01 इलेक्ट्रॉन, 0.01, आप अंदाजा देख रहे हैं, इट इज वेरी लेस, वेरी लेस। बात समझना है क्या? सिलिकॉन में 0.05 होता है, जर्मेनियम में 0.01 होता है, लिखवा दूंगा अभी, तो इट इज 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देंगे और ये इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो जाएगा, फ्री। तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब आपको एन टाइप सेमीकंडक्टर में जब आप पेंटावैलेंट से डालेंगे तो ऑटोमेटिकली लॉट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, लॉट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। तो मैं पूछू अगर इलेक्ट्रॉन्स इसमें, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कितने, एक तो आपका डोपिंग से मिला, इम्प्योरिटी को हम डोपिंग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डोपिंग, एक तो डोपिंग, और दूसरा इलेक्ट्रॉन कुछ हीट से भी तो मिलता होगा। यस सर। डोपिंग वाले कहां से मिले, पेंटावैलेंट से, ध्यान से देखना बेटा, पेंटावैलेंट से,
जो पेंटावैलेंट एटम्स थे उनको वहां से मुझे कुछ इलेक्ट्रॉन मिले, और हीट करेंगे तो किसके मिलेंगे, सिलिकॉन वाले। तो इलेक्ट्रॉन दो जगह से मिल रहा है मुझे, एक तो डोपिंग वाले से और एक हीट वाले से। और होल बताना कहां से मिल रहा है, होल तो सिर्फ एक ही जगह से मिलेगा ना, जहां से जब आप बॉन्ड तोड़ेंगे, बॉन्ड तोड़ने के बाद वहां खाली जगह बनेगी, तो होल के लिए क्या होगा, होल सिर्फ कहां से मिल रहा है, हीट से। और ये जो डोपिंग वाले इलेक्ट्रॉन है दे आर वेरी लार्ज, तो ऑटोमेटिकली तुम बचाओ एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या ज्यादा होने वाला है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहां से हमको मिलेगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ पी एन टाइप सेमीकंडक्टर इज मच मच मोर देन द नंबर ऑफ होल्स। उसका लॉजिक आई होप आपको समझ में आ गया। अच्छा, और एनर्जी गैप अगर सिर्फ सिलिकॉन है तो कितना है बेटा, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर आपने फास्फोरस या कोई पेंटावैलेंट डाल दिया तो एनर्जी गैप की वैल्यू कम हो गई क्या, कितनी हो गई, कम हो गई। ओके ठीक है, तो आई होप आपको एन टाइप सेमीकंडक्टर समझ में आ रहा हूँ। यस ओके ठीक है। अच्छा, जब ये इलेक्ट्रॉन फ्री होके अब यहाँ से जाएगा तो इस फास्फोरस के ऊपर कैसा जाएगा, प्लस वन चार्ज आ जाएगा क्या। यस ठीक है, तो इट मीन्स मैं यहाँ से देखिए इस फिगर में आपको दिख रहा है क्या, आई एबल टू सी दिस फिगर। यस सर। बहुत ध्यान से देखिएगा कि ये प्लस फोर क्या है, सिलिकॉन या जर्मेनियम, प्लस फाइव क्या है आपका, अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय पेंटावैलेंट। आप उसको आराम से फ्री कर सकते हैं, वो जैसे ही फ्री होगा क्या उस डोनर पे प्लस का चार्ज आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा उसको। yes. भाई सिलिकॉन वगैरह तो न्यूट्रल है, तो ये सिंबल होता है किसको शो करने का, एन टाइप का। एन टाइप को जब भी हम शो करते हैं बेटा ऐसे करते हैं, एक सर्कल बनाएंगे प्लस और उसके बाद एक डॉट। प्लस का मतलब क्या हुआ, जब वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो एक प्लस चार्ज गेन करेगा, और क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो दिस इज अ सिंबल टू शो एन टाइप सेमीकंडक्टर। यस सर। ठीक है, तो एक रिजल्ट याद कर लीजिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। आप ये दो, ये नीचे वाला डायग्राम बना लीजिए प्लीज, नीचे वाला डायग्राम कॉपी कर लीजिए एक्सट्रिंसिक। अच्छा, आप लोग को पीडीएफ में, आप लोग ये जो हम पढ़ाते हैं कोई भी टीचर, ये पीडीएफ मिल जाती है ना आपको। यस सर। तो ठीक है, वहां से ये सारा फिगर ध्यान से कॉपी पे एक बार खुद से बनाएंगे ना तो बहुत आसानी से आप जो है इसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो एक्सट्रिंसिक से देखिए, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एक रिलेशन होता है, इस पे याद कर लीजिए, एनी इंटू एन एच इज इक्वल टू एन आई का स्क्वायर। एनी क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एनी एच क्या होगा, नंबर ऑफ होल्स, और एन आई क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी जब उसको डोप नहीं किया गया था, जब उसमें इंप्योरिटी नहीं डाली गई थी तब कितने इलेक्ट्रॉन्स और होल थे, तो ये एन आई क्या है, इंट्रिंसिक वाला दिया गया है। ठीक है, समझ में आया क्या। yes, अच्छा, अब इसी तरह जरा पीट है, ये देखिए आपके पास एक और रिप्रेजेंटेशन मैंने शो किया स्लाइड, जिसमें ये क्या है आपको, ये क्या लग रहा है, एन टाइप या पी टाइप, अगर इस डायग्राम को देखें व्हाट डू यू थिंक, एन टाइप और पी टाइप, एन टाइप, वेरी गुड, एन टाइप, क्योंकि जो डोनर है उस पर पॉजिटिव चार्ज है और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री है, एन टाइप। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स को हम इस तरह शो करते हैं, गोला गोला बना के हम, पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब जो डोनेट करेगा, और होल्स जो है कम होंगे, क्योंकि होल्स कहां से आते हैं, इंट्रिंसिक वाले से आते हैं, और इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहे, दोनों से आ रहे, दोनों से। ठीक है, यस सर, चले आगे। यस सर। ठीक है, देखिए अब जरा हम देखते हैं, लेट अस डिस्कस अ पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप, पी टाइप में अब आप बताइए कि सिलिकॉन ग्रुप 14 का है, हमें होल्स को ज्यादा करना है, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन को कम करना है, तो इलेक्ट्रॉन कम करने के लिए कैसा एटम डाला जाए, जिसके पास, जिसके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स कम हो या जिसके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, कम हो ऑफ कोर्स। तो पी टाइप में जो हम डोपिंग करते हैं या इम्प्योरिटी एड करने के प्रोसेस को डोपिंग भी बोला है, इम्प्योरिटी को हम डोपिंग बोलते हैं, तो डोपिंग विथ ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट, विथ ट्राइवेलेंट, ट्राइवेलेंट, वेरी गुड, ट्राइवेलेंट। ट्राइवेलेंट का कोई एग्जांपल दीजिए, थर्ड ग्रुप का, गैलियम, एल्युमिनियम, ओके, गैलियम, इंडियम, इंडियम, दिस आर द एग्जांपल ऑफ ट्राइवेलेंट जिसकी वैलेंसी प्लस थ्री होती है। ठीक है, तो मैं इसका डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि जैसे हमने ये वाला डायग्राम बनाया था कि पहले सिलिकॉन बॉन्डेड था चार चार से, फिर उसने एक फॉस्फोरस से बना तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, जब एल्युमिनियम आएगा तो एक बॉन्ड कम रहेगा, जिस आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। सिलिकॉन के चार चार बॉन्ड बने और बीच में ट्राइवेलेंट आ गया,
मतलब कि जैसे एल्यूमिनियम गैलियम और इंडियम वगैरह, तो एक बॉन्ड तो खाली रहेगा, होल ज्यादा है, ठीक है। Yes, sir. अब मान लो ये ट्राइवेलेंट, ये इम्प्योर एटम अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, प्लस माइनस वन चार्ज आएगा, क्योंकि वैलेंसी तो तीन और ले yes. कितना लिया चार, तो हाउ मच इट विल हैव अ नेगेटिव चार्ज। तो इसीलिए देखिए इसको जब रिप्रेजेंट करते हैं तो एक माइनस चार्ज शो करते हैं और उसके साथ एक होल शो करते हैं। माइनस का मतलब ये है कि जब ये गेन करेगा एक इलेक्ट्रॉन तो वो एक नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, और ये डोनेट क्या कर रहा है, होल दे रहा है यहाँ। और पी टाइप में नंबर ऑफ होल्स जो होते हैं दे आर मच मच मोर देन द नंबर, ठीक, पी टाइप में नंबर ऑफ होल्स मच मच मोर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा ये डायग्राम जो स्क्रीन पे बना हुआ है, ठीक है। आगे चल सकते हैं, देख लीजिए गौर से इस डायग्राम को देख लीजिए। प्लस फोर सिलिकॉन के बॉन्ड है, दीज आर सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये सारा सिलिकॉन और जर्मेनियम है। ये सिलिकॉन और जर्मेनियम है, और ये क्या है आपका प्लस थ्री पे भी एल्यूमिनियम गैलियम और इंडियम, ठीक है। yes, चलिए आगे। नाउ दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ये कैसा एलिमेंट है, ये पी टाइप के टाइप, पी टाइप, तो डोनर देखिए एक्सेप्टर, हाँ बताइए जी, बोलिए सर। जब हम सिलिकॉन और एल्यूमिनियम का बॉन्ड बनाएंगे तो होल कैसे आएगा, होल कैसे आएगा, अच्छा ठीक, चलो मैं समझाता हूँ, ठीक। ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन मतलब जर्मेनियम, चार बॉन्ड ऐसे, ये तो समझ में आ रहा होगा, इंट्रिंसिक स्टेट, ये इंट्रिंसिक है, इंट्रिंसिक मतलब अभी कोई भी डोपिंग नहीं की गई है, ठीक है। अब आपने, मैं अभी एक एक को समझ लेते हैं, एक समझ लेंगे तो सभी बराबर आएंगे। यहाँ पे एल्यूमिनियम दे दिया, एल्यूमिनियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, थ्री, तीन, तो चार तो ये यहां से बन गए। अब एल्यूमिनियम जो है तीन ही बॉन्ड बना सकता है, एक एक इधर बना लिया, एक इधर यूज कर लिया, एक इधर यूज कर लिया। अब एल्यूमिनियम ने तो अपना तीनों यूज कर लिया वैलेंस का। अब यहां जो सिलिकन है, मान लो ये सिलिकन अपना इलेक्ट्रॉन ला देगा बीच में, ये एल्यूमिनियम इससे बॉन्ड बनाने के लिए यहां पे अगर, तो एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ना, क्या एल्यूमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन है, बोलिए नहीं समझ गए, तो यहां पे बॉन्ड नहीं बनेगा। तो हम देखिए अभी मैंने क्या, होल क्या होता है बेटा, अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन को होल समझते, क्योंकि यहां पे एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन के ना होने का दूसरा नाम क्या है, होल का होना, समझ गए। या ऐसा नहीं कि वहां पे खोला आपको खालीपन दिखेगा, कुछ दिखेगा नहीं मैडम, माय डियर स्टूडेंट, देयर इज नथिंग, एंड व्हाट वी हैव गिवन, जहां पे कुछ नहीं है, एक इमेजिनरी कंसेप्ट क्या दे दिया उसको, वहां पे क्या है, होल, होल है, और होल को हम पॉजिटिव चार्ज की तरह ट्रीट करते हैं, सिंपल, इट इज लाइक दिस। तो यहीं पे हम इमेजिन करते हैं कि यहाँ पे एक होल होगा, समझ में आए क्या बात। yes, yes, ये किसने पूछा था, एरिया, स्टूडेंट एक लड़का था ना, अकाउंट में देख yes. पा रहा था, ठीक है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ होल बेसिकली, यही बात इस डायग्राम में समझाई गई आपको, इलेक्ट्रॉन ना होने का मतलब है होल का होना। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ, अच्छा जब वो ट्राइवेलेंट, जब ये ट्राइवेलेंट वाला एटम अगर अपने आस पड़ोस से, क्योंकि वहां पे बॉन्ड नहीं है, मान लो कहीं आस पड़ोस से एक बॉन्ड आके बन गया, एक बॉन्ड, तो वो प्लस थ्री था, तीन इलेक्ट्रॉन ले सकता था, उसको चार दे दिया, उसके ऊपर एक माइनस चार्ज आ जाएगा। तो कैसा चल जाएगा, माइनस आएगा। तो दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पी टाइप, जिसमें होल्स ज्यादा होंगे और कोर के ऊपर जो इम्प्योरिटी है उसको कोर बोलेंगे, दैट विल हैव माइनस चार्ज, ठीक है, समझ गए क्या बेटा। यस सर। चलिए तो नाउ वी आर कमिंग टू पीएन जंक्शन। अब ये देखो ये रिप्रेजेंटेशन है किसका, ये क्वेश्चन पूछा गया जेई मेंस में, जो ये डायग्राम दिखा रहा जब आप एन टाइप सेमीकंडक्टर लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना आसान हो जाता है क्या एन टाइप में,
तो आपका जो एनर्जी गैप होगा वैलेंस बैंड का और कंडक्शन बैंड का वो बहुत कम हो जाता है, कितना हो जाता है 0.01 से 0.05 तक, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये जो लाइन दिख रहा है आपको, जैसे को मैं रेड से दिखा रहा हूँ, व्हाट इज दिस, ये ईडी, ईडी का मतलब है डोनर एनर्जी लेवल। डोनर यानी वो जो फॉस्फोरस या फिर आपने फॉस्फोरस के साथ साथ आर्सेनिक डाला है, जिसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, क्या उस फ्री इलेक्ट्रॉन की को फ्री करने के लिए जो एक बचा हुआ इलेक्ट्रॉन था बहुत कम एनर्जी देनी पड़ेगी सर। यस सर। तो क्या आप उसको बहुत आसानी से कंडक्शन जोन में डाल सकते हैं? यस सर। तो मैं जब उसकी एनर्जी को शो करूंगा, उस एक फ्री इलेक्ट्रॉन जो था, तो कंडक्शन जोन के बहुत पास शो करूंगा ना। यस। तो ये तरीका होता है, इसको बोलेंगे डोनर एनर्जी लेवल, याद रखिएगा डोनर एनर्जी लेवल, डोनर एनर्जी लेवल। तो अब ये बताइए कैसा है ये, एन टाइप या पी टाइप? सर पी टाइप। एन टाइप है, मैंने एन टाइप इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट करेगा। एन टाइप में क्या होगा, डोनर एनर्जी लेवल कंडक्शन के करीब हो जाएगा, डोनर एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा, कंडक्शन के करीब हो जाएगा, ठीक है। यस सर। अच्छा अब जरा राइट साइड पाइएगा, राइट साइड पे क्या होता है, जब पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है तो क्या होता है, एक खालीपन मिलता है आपको यहाँ पे। अब जो बॉन्ड है, जब बगल में आपके खाली जगह दिख रही है, तो बॉन्ड जो बगल में बना हुआ है, फॉर एग्जाम्पल देख रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन होल में जंप कर रहा है। Yes. तो इस इलेक्ट्रॉन को उस होल में जंप करने के लिए कम एनर्जी चाहिए इसके मुकाबले। जब अगर ये होल ना होता तो इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड को तोड़ करना बहुत मुश्किल था, एज कंपेयर टू दिस सिचुएशन अब आसान होगा। आई होप इतना तो भाई, जगह में एक बगल में आपके बॉन्ड खाली है, केमिस्ट्री का अगर थोड़ा सा भी केमिकल बॉन्डिंग का अगर आपका आइडिया होगा कि जहां पे यहाँ पे खोखलापन है, बॉन्ड की वैकेंसी है, तो इलेक्ट्रॉन्स अनस्टेबल होंगे, अनस्टेबल होने का मतलब वो वहां पे जाने की पूरी कोशिश करेगा, इट मींस दिस इलेक्ट्रॉन कैन वेरी इजीली मूव टू दैट स्पेस। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट आसान हो जाएगा क्या इस होल के लिए? यस सर। ठीक है, अब देखिए इसी चीज को आप एनर्जी बैंड में कैसे शो करते हैं, कि वैलेंस बैंड से यानी बॉन्ड जो बना हुआ है उसको तोड़ने में अब आसानी हो गई आपको। Yes, sir. तो इसका मतलब कि जो कंडक्शन बैंड था वही नीचे चला है, आप इमेजिन कर सकते हैं कि कंडक्शन बैंड जा वो नीचे आ गया। Yes, sir. देखिए ये रेड कलर से जो शो कर रहा हूँ, याद रखो भाई ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो डोनर एनर्जी लेवल है वो कंडक्शन के करीब चला जाता है, और पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल है वो क्या होता है, वैलेंस के करीब आ जाता है। इसको लिखना लिखवाऊंगा मैं, इसको लिखवाऊंगा मैं पी टाइप, ठीक है। व्हाट इज दिस, ये क्या है, एक्सेप्टर, वो ट्राइवर एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल। तो अगर मैं बैंड थ्योरी की बात करूं तो एन टाइप सेमीकंडक्टर की बैंड में क्या होगा, एनर्जी बैंड में कंडक्ट एनर्जी डोनर एनर्जी लेवल राइजेस एंड गेट क्लोजर टू कंडक्शन जोन। इट मीन्स उसकी एनर्जी ज्यादा होती है तो बहुत आसानी से उसको आजाद किया जा सकता है, क्लोजर टू कंडक्शन जोन। और पी टाइप में क्या होगा, मदद करो मेरी, हेल्प मी टू राइट दिस, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। जी हाँ बिल्कुल, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल यानी ट्राइवेलेंट। डोनर का मतलब क्या हुआ, पेंटावेलेंट, और एक्सेप्टर का मतलब क्या हुआ, ट्राइवेलेंट। एक्सेप्टर की एनर्जी लेवल जो है वो क्लोजर टू फॉल्स डाउन एंड गेट क्लोजर टू वैलेंस जोन, वैलेंस बैंड या वैलेंस जोन बोल, जो भी आप बोले, वैलेंस बैंड बोले या जोन बोले एक ही बात है। तो दिस इज द डायग्राम, ये एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जेईई मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसमें आपको चार फिगर दिया था, पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द पी टाइप सेमीकंडक्टर, ऐसा क्वेश्चन पूछा था। तो ये किसका, तो ये एनर्जी बैंड किसका, एक्सट्रिंसिक का,
दिस इज द एनर्जी बैंड ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और इंट्रिंसिक होगा तो बीच की जो लाइनें दिख रही हैं आपको ये डैश वाली, वो नहीं रहेंगी, सीधा वायरलेस के बाद कंडक्शन होगा। यस सर। ठीक है, चले आगे, नोट कर लीजिए इसको। चलिए पीएन जंक्शन पे आते हैं। पीएन जंक्शन देखिए, एक बात समझिए ना, मुझे जितना टाइम लगा आज ये बताने में ना, ये बेस बन रहा था। एक बार आप ये पी टाइप एन टाइप समझ गए, अब इसके डबल स्पीड से चीजें कवर होंगी। ये समझना बहुत जरूरी था कि कैसे ये सारी चीजें होंगी। तो प्लीज पुट डाउन द हेडिंग पी एन जंक्शन। अब हम पी टाइप सेमीकंडक्टर बना चुके हैं बाय पेंटावेलेंट डोपिंग करके, एन टाइप सेमीकंडक्टर, सॉरी उल्टा बोल दिया, पी टाइप सेमीकंडक्टर बना दिया आपने ट्राइवेलेंट डोपिंग करके, होल्स बढ़ा दिया, इलेक्ट्रॉन्स कम कर दिया। एन टाइप सेमीकंडक्टर बना लिया आपने पेंटावेलेंट डोपिंग करके, इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया, होल कम कर दिया। रिलेशन पता है, Ne = Ni = Ni²। नाउ वी आर गोइंग टू फ्यूज देम टुगेदर, दोनों को मिला के देखने जा रहे हैं क्या होगा। चले आगे। यस सर। नाउ ये एक रिप्रेजेंटेशन है एन टाइप पी टाइप का, जल्दी से इसको देखिए और रिवाइज करिए जरा, बहुत गौर से स्लाइड को देखिए, बहुत ज्यादा गौर से। अगर कोई बात ना इंट्रिंसिक के बारे में है, एन टाइप के बारे में, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खुद भी बनाइएगा, पीडीएफ भी बनाइएगा। अगर कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आ रहा तो बताइए मुझे। डन सर। और लोग पढ़ लें। आई होप इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, जो हमने पढ़ा वही सारी बात लिखी है। देखिए एनर्जी बैंड कैसे बनाया जा गया है, इंट्रिंसिक का सीधा वैलेंस कंडक्शन, एन टाइप पी टाइप में एक डोनर को उठाया गया और पी टाइप में एक्सेप्टर को गिराया गया। yes. और यहाँ पे देखिए कि करंट जो होगा मेनली इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा, क्योंकि होल बहुत कम होते हैं इलेक्ट्रॉन के मुकाबले, और पी टाइप में इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं तो मेनली करंट होल की वजह से होता है। तो एन टाइप में मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, होल्स माइनॉरिटी होते हैं, पी टाइप में मेजोरिटी होल्स होते हैं, माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सभी लोगों ने ये सारे सातों आठों पॉइंट पढ़ लिए। यस सर। नाउ वी आर गोइंग टू फ्यूज देम टुगेदर। अब ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जल्दी इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर प्योर सिलिकॉन एट 300 हैज इक्वल इलेक्ट्रॉन होल कंसेंट्रेशन, ये डोपिंग बाय इंडियम, इंडियम से उसने डोप किया, इंडियम किसका है, कौन से ग्रुप का है, 13 यानी पी टाइप से भी कंडक्टर बनाया जा रहा है, तो होल का कंसेंट्रेशन बढ़ के 3 × 10²² होगा। तो कह रहा बहुत आसान क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द डोप्ड एसआई, मींस डोप्ड एसआई ये कौन सा होगा, पी टाइप बन गया क्या। यस सर। यस सर, इट इज बेसिकली पी टाइप। रिलेशन याद है तुम्हें कुछ, होल इलेक्ट्रॉन एनआई का, व्हाट इज द रिलेशन, Ne into NH = Ni²। अब तुम्हें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है तो Ni का स्क्वायर अपॉन Ni NH। Ni कितना दे रखा है, 1.5 × 10⁻¹⁶। Divided by number of holes. Holes कितने दे रखे, 3 × 10²³। तो ये बन गया 15 का स्क्वायर 2.25 × 10⁻³² divided by 3 × 10²³। Solve करिएगा, answer मिल जाएगा जो भी आएगा। ठीक है। Yes sir. Yes sir. You will get the answer. चलिए PN junction लिखिए जल्दी से, PN junction. पीएन जंक्शन। यस। ठीक है, देखिए लेफ्ट साइड में क्या है, पी टाइप। पी टाइप में क्या होता है, एक्सेप्टर एटम्स जो होते हैं उन पे नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और वो डोनेट क्या करते हैं, होल। और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, वो डोनेट करता है इसलिए जो इम्प्योरिटी उस पर पॉजिटिव चार्ज शो करते हैं और प्लस डॉट इलेक्ट्रॉन शो करते हैं। ठीक है। अब ये जो बीच का जंक्शन है, ये फिगर दिख रहा है सबको समझ में आ रहा है, फिगर कैसे मैंने बनाया, पी टाइप एन टाइप पहचान पा रहे क्या। ओके। नाउ दिस व्हेन यू आर ब्रिंगिंग क्लोजर, यहाँ पे होल है, इट मींस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी है, और यहाँ पे खाली इलेक्ट्रॉन बना हुआ है,
पर एक जगह जॉब की वैकेंसी है और एक बंदा खाली सड़क पे घूम रहा है, क्या फौरन वो जॉब की तरफ दौड़ेगा? Yes, बस यही काम होने जा रहा है. दिस विल कंबाइन विथ दिस विल स्टार्ट कंबाइनिंग विथ द व्हाट होल्स. और क्या यहां पे जब ये कंबाइन हो जाएंगे तो कुछ इस तरह का फिगर बन जाएगा, ये वाला, ये देखिए. yes, पहले देखिए, दिस इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स विल कंबाइन एट द जंक्शन बिकॉज दे आर ब्रॉड कोलिजन. एक जगह नौकरी आई है और एक बंदा नौकरी की तलाश में घूम रहा है, फौरन दौड़ेगा नौकरी की तरफ, भूखा है और खाना पड़ा हुआ है, फौरन खाने की तरफ दौड़ गया. तो जंक्शन पे क्या हो रहा है, एन टाइप से इलेक्ट्रॉन और पी टाइप से होल. तो द इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम एन साइड टू द पी साइड, या आप इसका ऐसे भी बोल सकते हैं कि होल जंप कर गया पी साइड से एन साइड. Yes, sir. Yes. ठीक है, तो क्या यही डायग्राम कुछ इस तरह का शक्ल ले लेगा, बीच में एक न्यूट्रल स्पेस बन जाएगा इस तरह का, देखिए जरा. ट्राई टू सी दिस, बीच में, और इसी जोन का नाम क्या होता है, डिप्लीशन जोन. व्हाट दिस इज कॉल्ड एज डिप्लीशन जोन. अब देखो, अब ये वाला जो होल है बेटा पी साइड पे, क्या ये चाहता है कि मैं इस इलेक्ट्रॉन से जाके कंबाइन कर जाऊं, बोलो क्या उसके अंदर चाहत है? Does it want to combine with this electron? Yes. बिल्कुल है, ये जो होल है it wants to combine with this electron. लेकिन ये जो पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ गया है, क्या ये इसको पुश करेगा? Yes. एक इलेक्ट्रिक, देखा आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, प्लस से माइनस. तो डिप्लीशन जोन में, डिप्लीशन जोन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी जो कहां से का, जिसका डायरेक्शन एन साइड से पी साइड होगा. yes, अच्छा, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इस होल को आने देगा? बोलो, इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रिक फील्ड होल को आने देगा क्या? नो. ठीक है, अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या यहाँ पे, देखो ये पी साइड में कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा मैं जो बात बता रहा हूँ. पी साइड में कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे जो कि माइनॉरिटी, देखो होल्स क्या है यहाँ पे, मेजोरिटी है. Yes. और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, माइनॉरिटी. इसी तरह एन साइड पे जो ये इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या है, मेजॉरिटी कैरियर्स. और इसमें कुछ होल्स भी तो होंगे जो माइनॉरिटी है, जो कि शो नहीं किए गए क्योंकि हम मेजॉरिटी को शो करते हैं. यस, दिस इज मेजॉरिटी. और यहाँ पे कुछ होल्स भी होंगे जिसको मैं मान रहा हूं क्या, माइनॉरिटी. जरा बताना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है एन साइड से, वो क्या इस पी साइड के इलेक्ट्रॉन को खींचना चाह रहा है अपनी तरफ? यस यस, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन, तो अब ये बताना इलेक्ट्रिक फील्ड जो एग्जिस्ट हुई, बहुत गौर से मेरी बात सुनिए, जरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो एग्जिस्ट कर रही है वो मेजॉरिटी को रोक रहा है और माइनॉरिटी को खींच रहा है क्या? यस सर. सभी को मेरी बात समझना है, क्योंकि ये नहीं समझे तो पीएन जंक्शन नहीं समझना है, लिख के ले लो. इलेक्ट्रिक फील्ड जो बना है, जो डिप्लीशन जोन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है, वो मेजॉरिटी कैरियर्स को स्टॉप कर रहा है मूव करने से, लेकिन माइनॉरिटी कैरियर्स को खींच रहा है अपनी तरफ. यस सर. बात समझ में आ रही है क्या? यस सर. पक्का सभी को? तो अब जरा इस देखो, तो इसको बोलेंगे ये क्या होगा, डिफ्यूजन. डिफ्यूजन हुआ किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो कंबाइन हो रहे थे उसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन होगा. और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ठीक, देखो डिफ्यूजन किसका होगा भाई, मेजॉरिटी का. डिफ्यूजन किसका होगा, मेजॉरिटी का. मेजॉरिटी का मतलब क्या हुआ, एन साइड से इलेक्ट्रॉन जाएगा पी साइड पे. देखो पहले ये फिगर समझ में आ रहा है, डिफ्यूजन मेजॉरिटी कैरियर का होता है, एन साइड से इलेक्ट्रॉन पी साइड पे जा रहा है क्या? अच्छा, इस डिफ्यूजन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा. Yes, sir. डिफ्यूजन की वजह से, डिफ्यूजन क्या पैदा करेगा भाई, डिप्लीशन जोन. डिफ्यूजन की वजह से क्या पैदा हुआ, डिप्लीशन जोन. और इस डिप्लीशन जोन से क्या पैदा हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड. क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड माइनॉरिटी कैरियर्स को खींचेगा? Yes, sir. और उस माइनॉरिटी कैरियर्स के मूवमेंट का नाम क्या दिया गया है, ड्रिफ्ट. ड्रिफ्ट, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, ड्रिफ्ट किसका होता है,
मिनोरिटी का. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू ड्रिफ्ट माइनॉरिटी कैरियर्स. अच्छा, तो ये फाइट चलती रहेगी ना, डिफ्यूजन हो रहा होगा मेजोरिटी का, मेजोरिटी के डिफ्यूजन से डिप्लीशन जोन बनेगा, डिप्लीशन जोन से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही पैदा होगी वो माइनॉरिटी को खींचना शुरू करेगा. तो हमारे पास दो तरह के करंट होंगे, एक होगा डिफ्यूजन करंट और दूसरा ड्रिफ्ट करंट. शुरुआत में कौन सा करंट ज्यादा होगा, डिफ्यूजन या ड्रिफ्ट? डिफ्यूजन. लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे, मेरी बात सुनना बेटा, जैसे जैसे डिफ्यूजन हो रहा होगा, क्योंकि देखो इसको लिखवाने का कोई फायदा नहीं, ये एनसीईआरटी बुक पढ़िएगा सब समझ में आएगा. डिफ्यूजन शुरू में इनिशियली क्या होगा, डिफ्यूजन ज्यादा होगा, लेकिन जैसे जैसे डिफ्यूजन हो रहा होगा ड्रिफ्ट भी तो बढ़ रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने से ड्रिफ्ट भी बढ़ रहा होगा. तो एक तरफ से डिफ्यूजन बढ़ रहा है, एक तरफ से ड्रिफ्ट बढ़ रहा है, क्या बीच में जो है एक कॉम्प्रोमाइज होगा और ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट बराबर हो जाएंगे? यस सर. और जैसे ही ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट बराबर होंगे, डिप्लीशन जोन फिक्स हो जाएगा. ठीक है, बस यही चीज समझनी है कि इनिशियली डिफ्यूजन जो होगा मेजॉरिटी कैरियर का, डिफ्यूजन इज मोर एंड आफ्टर सम टाइम क्या हो जाता है बेटा, आफ्टर सम टाइम यस इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड से ड्रिफ्ट होगा, ड्रिफ्ट करंट कहां से होता है, माइनॉरिटी से होता है ड्रिफ्ट करंट, एंड देन After some time, drift current will be equal to diffusion. Drift will be equal to diffusion. ठीक है, I hope. और ये depletion zone बन जाता है. Depletion zone में कितने electron और holes होते हैं, कौन बताएगा? How many electrons and holes are there? Depletion zone में कौन majority होता है, कौन minority होता है? Holes majority होते हैं? जी. अरे मेरे भाई, डिप्लीशन जोन में कुछ नहीं होता, इलेक्ट्रॉन होल से कंबाइन हो गए, खत्म हो चुका है, उसका नाम ही है डिप्लीशन जोन. जहां पे इलेक्ट्रॉन होल मिल गए, वहां पे ना ही इलेक्ट्रॉन ना ही होल है, सिर्फ डोनर और एक्सेप्टर एटम्स बचे हुए हैं. आई बात समझ में? यस सर. तो ये जो ये वाली लाइन है ना, पीएन जंक्शन फॉर्मेशन, इसको जरा इस जो एनसीईआरटी का ब्लू कलर का डायग्राम है, ये दोनों डायग्राम जल्दी से बना लीजिए. अगर बना लिया है तो मुझे बताया, मैं आगे बढ़ू, नहीं बनाया तो इस पूरे इन्फॉर्मेशन को नोट करिए. शुरुआत में डिफ्यूजन होगा, डिफ्यूजन से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जब माइनॉरिटी कैरियर्स को मूव कराएगा, जिसको हम ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं, थोड़ी देर बाद दोनों बराबर होंगे और डिप्लीशन जोन फिक्स हो जाएगा. Done, sir. हो गया, ठीक है, चलिए बस ये बेटा, ये मेरा मेजर काम था. ठीक है, अब देखिए जरा, मैं अब जरा दो टॉप, ठीक है, अब देखना. अगर आप एज्यूम करें, ये डिप्लीशन जोन ना मेरे पास, सॉरी ये रहा हमारे पास, ये डायग्राम है, ये पीएन जंक्शन है ना. Yes. पीएन जंक्शन. पीएन जंक्शन में एन साइड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया. एक मिनट, स्पीकर को बड़ा करने दीजिए. ठीक है, एन साइड पे पॉजिटिव चार्ज हो गया और पी साइड पे क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज. इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव एग्जिस्ट करेगा. अब ये बताइए, अगर आप ये इधर से इस तरफ से और होल को इलेक्ट्रॉन को भेजना चाहते हैं, या होल को सॉरी यहां से अगर आप इलेक्ट्रॉन को भेजना चाहते हैं, तो क्या इस इलेक्ट्रॉन होल को पी साइड से एन साइड जाने में दिक्कत महसूस होगी? ओके, ठीक है. और अगर आप इधर से इलेक्ट्रॉन को भेजना चाहते हैं पी साइड पे, क्या इस इलेक्ट्रॉन को दिक्कत महसूस होगी एन साइड जाने में? Yes. एक बैरियर खड़ा हो गया क्या इस डिप्लीशन जोन की वजह से? Yes. इसी बैरियर का नाम है क्या, बैरियर पोटेंशियल. क्या नाम होता है बेटा इसका? बैरियर पोटेंशियल होता है. बैरियर पोटेंशियल अलग, इस बार नीट के क्वेश्चन में पूछा था बैरियर पोटेंशियल ऑफ द
डायोड पूछा था क्वेश्चन, बैरियर पोटेंशियल, यानी कि कितना पोटेंशियल मैं दू कि इस होल को क्रॉस करवा दू इस डिप्लीशन जोन को, या कितना पोटेंशियल मैं दू कि इस इलेक्ट्रॉन को क्रॉस करवा दू मैं डिप्लीशन जोन को, ठीक है, वी नॉट से। तो बैरियर पोटेंशियल लिख लो, किसी को याद है, एनी वन हैविंग आइडिया व्हाट इज बैरियर पोटेंशियल? जर्मेनियम का कितना होता है, सिलिकॉन का कितना होता है, याद रखना, जर्मेनियम का बैरियर पोटेंशियल होता है 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन का कितना होता है 0.7। ये बैरियर पोटेंशियल है बेटा, एनर्जी गैप एक अलग चीज है। एनर्जी गैप क्या होता है, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए। एनर्जी गैप किसके लिए होता है, एक एटम के अंदर, किसी एक पार्टिकुलर एटम के अंदर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए, फ्री होने के लिए जो एनर्जी चाहिए। तो सिलिकॉन का कितना था 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम कितना था 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड बैरियर पोटेंशियल क्या होता है, पी साइड से एंड साइड जाने के लिए या फिर एंड साइड से पी साइड जाने के लिए जो पोटेंशियल चाहिए, दैट इज नोन एज बैरियर पोटेंशियल। तो बैरियर पोटेंशियल क्या ले सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डिप्लीशन जोन विच स्टॉप्स द फ्लो ऑफ, किसका फ्लो, मेजोरिटी और माइनॉरिटी, मेजोरिटी कैरियर, मेजोरिटी फ्लो ऑफ मेजोरिटी कैरियर, उसी पोटेंशियल का नाम क्या है, बैरियर पोटेंशियल। अगर आप चाहते हैं कि मेजोरिटी कैरियर्स मूव कर जाएं, तो आपको इतना पोटेंशियल देना पड़ेगा, इसके बाद ही मूव करेगा, इससे कम देंगे तो नहीं मूव करेगा। फ्लो ऑफ मेजोरिटी कैरियर्स, ठीक है, यस सर। तो हम पता है हम क्या इमेजिन करते हैं, हम ये इमेजिन करते हैं ना कि जैसे इस डिप्लीशन जोन में एक बैटरी लगा दी गई है। इस स्लाइड को हटा सकता हूँ क्या मैं, ये लिख लिया, बैरियर पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो कि डिप्लीशन जोन में होता है, जो स्टॉप करता है मेजॉरिटी कैरियर्स का फ्लो। तो हम इमेजिन करते हैं, देखिए ये डायग्राम आपको देगा कि इमेजिन ऐसा करते हैं कि जैसे आपको पता है प्लस साइड को हाई पोटेंशियल मानते हैं और नेगेटिव साइड को लो पोटेंशियल मानते हैं, ये तो पता होगा, ठीक है। तो हम ये इमेजिन करते हैं कि जैसे एक डिप्लीशन जोन में एक बैटरी लगा दी गई है, जिसको हम बोलते हैं फिक्शियस बैटरी। फिक्शियस मतलब इमेजिनरी बैटरी, फिक्शियस बैटरी, बैटरी की तरह इमेजिन करते हैं। इट मीन्स अगर आपको एक पीएन जंक्शन दे दे इस तरह से और यहां पे डिप्लीशन जोन बना दे, इधर पी है इधर एन है, तो क्या आप इस पीएन जंक्शन के डिप्लीशन जोन को इस तरह से शो कर सकते हैं क्या, इमेजिनरी, ठीक है, ठीक है। और इसकी वैल्यू आपको पता है 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम एंड 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन, ठीक है बेटा। समझ, टाइम ओवर हो गया, तो आज जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस हुई, कल हम डिस्कस करेंगे फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। यस, ये वाली और ये वाली, ये सर अगली वाली, ठीक है, ये वाली, यस, ठीक है। तो टुमारो वी विल डिस्कस फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस और फिर उसके बाद हम जेनर डायोड वगैरह डिस्कस करेंगे। तो कल का टारगेट आप सब लोग पढ़ के आइएगा, सो दैट आई कैन, क्या पढ़ के आएंगे, फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस जेनर डायोड, ठीक है। इस पे हम इसको पढ़ेंगे। हां, डायोड का मतलब क्या होता है, डायोड का मतलब दो इलेक्ट्रोड, तो एक तरफ पी साइड है एक तरफ एन साइड है, दो इलेक्ट्रोड नहीं बन गए, डाई मतलब दो और इलेक्ट्रोन मतलब इलेक्ट्रोड, डायोड, डायोड का मतलब वो दो इलेक्ट्रोड वाला, डायोड मींस टू इलेक्ट्रोड, तो एक तरफ पी साइड है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एक तरफ एन साइड है नेगेटिव इलेक्ट्रोड। आप ट्रायोड भी पढ़ेंगे जिसमें तीन इलेक्ट्रोड होंगे, टू इलेक्ट्रोड, सिंपल। डायोड का मतलब दो इलेक्ट्रोड वाला, सिंपल, ठीक है। तो पीएन जंक्शन को हम डायोड भी बोलते हैं, बिकॉज एक तरफ पी डायोड इलेक्ट्रोड और एक तरफ एन इलेक्ट्रोड, वी कॉल इट पीएन डायोड, ठीक है, ओके, यस सर, मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू सर, ओके, ठीक है, ओके, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, मिलते हैं अगली क्लास में। यार मैं
लेट मी मेक होस्ट समवन, क्योंकि अवंती फेलोज के नाम से कोई आया है कि नहीं? यस मैम, कौन है, कहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा? अच्छा हाँ, ठीक है, अवंती फेलोज मेक होस्ट।